दोस्तों सिर्फ बात करना और बातों ही बातों में लोगों को अपना दीवाना बना देना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। नॉर्मली तो आप सब बात करते ही हैं, लेकिन अगर आप लोगों के दिल में अपने लिए एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं तो बस आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के इन 11 रूल्स को समझना होगा। और अगर आपने इन 11 रूल्स को समझ लिया तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर पाएंगे और कहीं पर भी इम्प्रेस कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, आप जो सोचते हैं उसे कहने की हिम्मत रखें। कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करें। डेली अपने इमोशंस और थॉट्स को समझने के लिए कुछ समय अकेले बैठें, ताकि आप अपने आइडियाज़ को दूसरे तक सही से कैसे कन्वे कर पाएं इस बारे में आपको सोचने का मौका मिले। ये सोचकर चुप ना रहें कि आपकी बात ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि एक ही बात किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकती है और वही बात किसी के लिए नहीं। इसीलिए आप जो सोचते हैं उसे कहने की हिम्मत रखें। रूल नंबर 2, प्रैक्टिस करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी सोशल या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। बस याद रखें कि आपको दिन में कम से कम 1 घंटा इसके लिए निकालना है, फिर देखना आप किसी को भी इम्प्रेस कर पाएंगे। रूल नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। बातचीत करते समय दूसरे व्यक्ति की आँखों में देखने से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। आई कॉन्टैक्ट करने से लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को भी इंटरेस्ट लेने का करेज मिलता है। ऐसा करने के लिए सुनने वाले की पहले एक आंख में देखें, फिर आप दूसरी आंख में देखें। इस प्रकार आंखों को आगे पीछे देखने से आपकी आंखें चमकती हुई दिखाई देंगी, नहीं तो आप सुनने वाले के फेस पर भी देख सकते हैं। रूल नंबर 4, एक्सप्रेस क्रिएटिव आइडियाज एंड थॉट्स। आपका इंटरेक्ट और कंपोज करने का ढंग आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। सत्यवादी, ईमानदार, सहनशील और आशावादी रहें। दूसरों का सम्मान करें, उन्हें स्वीकार करें, उनकी भावनाओं को महसूस करें और उनकी क्षमता में विश्वास रखें। रूल नंबर 5, इफेक्टिव सुनने की स्किल्स को डेवलप करें। केवल अच्छी तरह बोलना ही नहीं, दूसरे की बात को सही से सुनना भी चाहिए, फिर उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो उसकी बात को ध्यान से सुने। इस जल्दी में ना रहें कि उसकी बात ख़त्म हो, ताकि मैं अपनी बात को बोल पाऊँ। नंबर 6, अपने शब्दों को इनिशिएट करें। मुंह के अंदर बोलने की जगह क्लियरली बोलें। यदि लोग अक्सर आपसे बात दोहराने के लिए कहते हैं तो आप ठीक तरह से बोलने की कोशिश करें। नंबर 7, शब्दों का सही उच्चारण करें। जिन शब्दों का उच्चारण करने से आपको लगता है कि आपको डाउट है, उनका इस्तेमाल ना करें। प्रतिदिन नए शब्द सीखें और उन्हें कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल करें। रूल नंबर 8, सही शब्द का इस्तेमाल करें। यदि किसी शब्द का अर्थ आप नहीं जानते तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। एक डिक्शनरी लेकर प्रतिदिन नया शब्द सीखने की आदत डालें, फिर उसे दिन में बातचीत करने के दौरान इस्तेमाल करें। रूल नंबर 9, बोलते समय स्लो जाएं। आप बहुत जल्दी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप घबराए हुए हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। इसीलिए एक मीडियम वॉइस पर बात करें, ना ज़्यादा तेज बोलें ना ज़्यादा धीरे बोलें। रूल नंबर 10, अपनी वॉइस को एनिमेट करें। एक ही टोन में बोलने की जगह उसमें बदलाव करें। रेडियो और डीजे के समान अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं। रूल नंबर 11, यूज राइट वॉल्यूम। जैसे कि अगर आप किसी के पास बैठे हैं तो आप धीरे बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़े ग्रुप में बैठे हैं तो आप थोड़ा तेज बोलें। इससे लोग आपको कॉन्फिडेंट पर्सन समझेंगे। तो गाइज, ये थे कम्युनिकेशन स्किल्स के 11 रूल्स, जो कि एकदम इफेक्टिव रूल्स हैं। और अगर आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, किसी से बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो बस आपको इन 11 रूल्स को ध्यान में रखना है, फिर आप किसी से भी बातें कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।